अरबी के पत्तों की रेसिपी बनाने के लिए हमने कुछ अरबी के पत्ते लिए हैं, जिनको हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। और चार प्याज लिए हैं, जिनका हमने छिलका उतार लिया है। और मिर्च ली है कुछ हरी, और ये टमाटर ग्राइंड किया हुआ लिया है। और अब हम इनको पहले अच्छे से वॉश करेंगे पानी में। अब हमने ये बेसन लिया है लगभग एक कटोरी, जिसको हम अच्छे से छान लेंगे। और जो हमने प्याज लिया था वो भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये देखिए बारीक कट कर लिया है, जो हम सारा इसमें बेसन में मिक्स करेंगे, टमाटर भी, हरी मिर्च और प्याज, और इसका एक बैटर बनाएंगे। और फिर उसको अरबी के पत्तों पर उसका जो है बैटर वो लगाएंगे। हमने बेसन में प्याज मिर्च ऐड कर दी है, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। चार चम्मच अब इसमें मसाले डालेंगे, एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, दो चम्मच नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसको हम मिक्स करेंगे। और इसका एक पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब इसको हम अरबी के पत्तों पर लगाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमने पत्ते को उल्टा रख लिया है, और अब इस पर हाथ से ही जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे। ये हम अगर ऐसे पेस्ट बनाते हैं, इसमें टमाटर भी मिक्स किया है और प्याज भी, तो मतलब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए गाइस, हमने पेस्ट लगा लिया है। इस पर और एक पत्ता और रखेंगे ऐसे, और इस पर भी हम ऐसे ही पेस्ट लगा लेंगे। अब इसको हम एक साइड से फोल्ड करेंगे ऐसे, और इस पर भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे, ऐसे ही
पूरा कवर कर लें। फिर ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इस पे लगाएंगे और फिर नीचे से फोल्ड करेंगे। ऐसे मतलब फोल्ड करके पूरा इसे हम तैयार कर लेंगे। फोल्ड करते रहेंगे, पेस्ट लगाते रहेंगे। और ऐसे और हल्का हल्का इसके बाहर भी लगा दें और साइड में रख देंगे इसको। थोड़ा सा दबा लेंगे इसको हाथ से। ये हमारा पत्ता जो है पेस्ट लग के तैयार है। ऐसे हम सारे पत्तों को तैयार करेंगे। अब ये हमारे सभी पत्ते रेडी है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने कुछ पानी डाला है। अब इसके ऊपर हम एक जाली रख देंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब इसमें उबाली आएगी तो हम सारे पत्ते एक एक करके जाली के ऊपर रखेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके सारे पत्तों को रखेंगे। और अब इसको हम ढक देंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, हमारे अरबी के पत्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे अरबी के पत्ते जो है थोड़ा ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। जितने हमें बनाने हैं उतने ही कट करना है, बाकी हम इनको ये मतलब फ्रिज में रख सकते हैं और जब बनाने हो तब बना सकते हैं। फिर हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। लगभग 4-5 चम्मच के करीब। अब हमने अरबी के पत्तों को कट कर लिया है। कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे आधे चम्मच। और ये प्याज डालेंगे कटी हुई, एक प्याज लीजिए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी लाल मिर्च। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अरबी के पत्ते इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और लॉक टाइम पर
जो कॉपर में देंगे। ये अरबी के पत्तों की सब्जी हमारी बनकर रहेगी बहुत होगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।